चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, एचएससीएफ एंड एलएसीएम का ये 7वां क्लास है और हम लगातार आरएस अग्रवाल के बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए आज भी करवाएंगे। पहले थोड़ा बेसिक बताते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शुभकामनाएं देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहिए, हर एक एक बात आपको जरूर समझ में आएगा और इसी उम्मीद के साथ आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले बेसिक में हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन देता है कि चार अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इस संख्या और इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। और इस टाइप के एक और क्वेश्चन करता है कि चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो इस संख्या और इस संख्या से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे मारेंगे पीटेंगे, आइए इस क्लास में आपको बता रहे हैं। आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए, लूटने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। जैसे यहां पे क्वेश्चन करते हैं कि हमें चार अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है, हमें छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पांच और सात से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर चार अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी है जो पांच और सात से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। तो आइए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फूकना है बता रहे हैं। कहीं सर ऐसे तो फूंक ही देंगे, वैसे नहीं फूकना है, बनाकर फूकना है, बनानी है, फूकने का अर्थ यह है। तो आइए कैसे बनाएंगे, बात को समझिएगा। उसके बाद इस टाइप के कितना भी क्वेश्चन क्यों ना जाए, सारे क्वेश्चंस को ऐसे चुटकी में मसल देंगे, मतलब आपके सामने पड़ेगा, समझो कि उध्वस्त हो जाएगा। तो आइए पहले बेसिक को समझाते हैं, बेसिक को समझना जरूरी है। मेरे भाई एक बात बताइए, कहता है कि चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पांच से भी कट जाए और सात से भी कट जाए। तो देखिए यहां पर पांच से भी कट जाए, सात से भी कट जाए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना होगा। और भी संख्या दे सकता है, जितनी भी संख्या दे, यहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई यानी यहां पे देखिए पांच सात का जो एलसीएम होता है आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ये प्राइम नंबर है, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई पांच गुणे सात कितना हो जाएगा, पैंतीस। कितना हो जाएगा, पैंतीस। अब यहां पर काम करते हैं, चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या को लिखना होगा। चार अंकों की छोटी संख्या कितना होता है मेरे भाई, एक हजार होता है, एक हजार होता है। अब इसमें हम पैंतीस से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, पैंतीस से भाग देंगे। और ये देखिए कितने बार में जाएगा, पैंतीस दूना क्या सत्तर, कितना हो जाएगा सत्तर। अब घटा देंगे, सौ में सत्तर निकाल देंगे तो कितना होगा, तीस। इस जीरो को उतार लेंगे, कितने बार में मेरे भाई जाएगा, आठ बार में लेकर चलते हैं तो आठ पचे चालीस की जीरो, हार्सिल कितना होगा चार, और अठरी का कितना होगा चौबीस, चौबीस चार कितना हो जाएगा अट्ठाईस, और तीन सौ में दो सौ अस्सी निकाल देंगे तो कितना होगा बीस। अब यहां पे एक बात को समझिए, हमें चार अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पांच से भी कट जाए, सात से भी कट जाए, तो अभीष्ट संख्या कौन सी होंगी। तो मेरे भाई अभीष्ट संख्या निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी यहां पे जो नंबर है इसको उतार देंगे, एक हजार आप प्लस, हम क्या करेंगे इन दोनों का माइनस करके यहां पे रख देंगे। तो मेरे भाई यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पैंतीस माइनस बीस, और यहां पे एक हजार आप प्लस, पैंतीस में से बीस निकल जाएगा पंद्रह, और इसको जोड़ देंगे तो एक हजार पंद्रह होगा। तो मेरे भाई चार अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या एक हजार पंद्रह मिलेगा जो पांच से भी कट जाएगा और सात से भी कट जाएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो इसमें पांच से देखिए इकाई स्थान पर पांच है तो पांच से कट ही गया, इस सात से भी कट जाएगा। तो इससे छोटी संख्या चार अंकों में और कोई संख्या नहीं होगा जिसे पांच भी, जिसे मतलब जो पांच से भी कट जाए और सात से भी कट जाए, सबसे छोटी संख्या यही मिलेगा आपको, सबसे छोटी संख्या यही मिलेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से बनाते हैं। अब यहां पे पांच अंकों की भी संख्या दे सकता है, छह अंकों की भी संख्या दे सकता है, तीन अंकों की भी संख्या दे सकता है। केवल कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम आपसे सवाल करें मेरे भाई, पहले हम इसको
इसको भी समझा देते हैं, उसके बाद बहुत सारे सवाल देंगे, आप कमेंट्स में जरूर भेजिएगा आंसर। और देखिए यहां पे कहता है कि चार अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो पांच से भी कट जाए और सात से भी कट जाए, ये बतानी है। तो कैसे बता पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पांच सात का लघुतम लेना होगा और लघुतम आपके सामने है। तो यानी यहां पे देखिए 35 में चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होती है, 9999 होता है। और देखिए दो बार में ले जाएंगे तो मेरे भाई दो बार में ले जाएंगे तो कितना, 35 दुना का 70, और यानी यहां पे कितना हो जाएगा 9 और यहां पे होगा 2, फिर एक 9 उतार लेंगे, 8 बार में लेकर जाए कितने बार में जाएगा, 8 बार में लेकर चलते हैं, 8 बजे 40 की 0 हासिल 4, 18 के 24, 24 4 कितना हो जाएगा 28, यानी 8 बजे 40 के 0 हासिल 4 और 3 के 24, 24 4 28, घटा लेंगे 9, यानी यहां पे एक ए तो कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 9 हो जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, तो मेरे भाई हम 5 बार में लेकर 6 बार में लेकर चले तो 6 5 30 के 0 हारसिल 3, 18 3 21 ज्यादा हो जाएगा ना, 5 से लेकर चलते हैं तो देखिए पंतिया 15 हारसिल हो जाएगा 1, नहीं 50 25 के 5 हारसिल हो जाएगा 2, और पंतिया 15 15 तो कितना होगा 17, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा जी, यानी यहां पे घटेगा 4, यहां पे होगा 2, कितना होगा 24। अब देखिए एक्स्ट्रा नंबर मिला है, 24 एक्स्ट्रा नंबर मिला है, 24 एक्स्ट्रा नंबर मिला है, अगर 9999 में 9999 में 24 हम घटा दे तो चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगा जो पांच से भी कट जाएगा और सात से भी कट जाएगा। तो यानी 9999 में हम 24 घटा देंगे तो मेरे भाई 5, यानी यहां पे 7, यहां पे 9, यानी 9975 होगा जो पांच से भी कट जाएगा और सात से भी कट जाएगा। तो मेरे भाई सबसे बड़ी से बड़ी संख्या में यही होगा 9975। उम्मीद है कि कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। अब हम आपसे सवाल करें कि पांच अंकों की, देखिए सारा क्वेश्चन का आंसर आपको भेजना होगा, पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 4, 5 और 6 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। और यही आपसे यहां पे भी यही क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 4, 5 और 6 से, 4, 5, 6 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। फिर एक और क्वेश्चन देते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए, यानी ऊपर बड़ी सी पहले ही क्वेश्चन दे देते हैं, बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जो 7, 8, 9, 11 और 13 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। और 6 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 7, 8, 9, 11, 13 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाती है। मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें आपको पूरी तरीके से हजम किया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाकर बैठा होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पूरा बेसिक बताएं। और बेसिक यहां पे एक क्वेश्चन करवाएं, इस पे क्वेश्चन यहां पे दिए हैं, एक क्वेश्चन यहां पे दिए हैं, और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, खटक देना बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए, यहां से इसको हटाते हैं। देखिए देखिए ध्यान से आराम से समझिएगा, हमने एक्सरसाइज बी करवा रहे थे, एक्सरसाइज बी, और एक्सरसाइज बी में लगभग क्वेश्चन करवा दिए थे, दो क्वेश्चन बाकी था, तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस को करवाते हैं, देखते रहिए। एक 11 नंबर क्वेश्चन, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, कहता है कि 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका लघुतम समापवर्त 5760 तथा महत्तम समापवर्तक 80 है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात हम ले लेंगे, ए अनुपात में HCF आपका दिया है, HCF आपका दिया है 80 और LCM आपका दिया है 5760, और आपसे पूछा है कि 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात करना है जिसका HCF 80 हो और LCM 5760 हो।
कैसे निकालेंगे मेरे भाई। अगर संख्या एग्जैक्ट संख्या निकालना है तो एचसीएफ में इससे गुना कर लेंगे तो एक संख्या 80 ए मिलेगा और एक संख्या 80 बी मिलेगा। और कमाल की बात देखिए कि एचसीएफ का मान दिया है 5760, तो हम इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम किसका निकालते हैं, दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे एलसीएम। तो मेरे भाई यहां पे देखिए 80 ए 80 बी, 80 से ले जाएंगे तो मेरे भाई यहां पे ए बी आपका जो एलसीएम मिलेगा कितना मिलेगा मेरे भाई 80 ए बी, और एलसीएम का मान कितना दे रखा है 5760 और बराबर कितना 80 ए बी, 10 से 10 मर गया। अब यहां पे कितना बचेगा 576 बटा जो गुना में रहता है भाग में 8 बराबर ए बी। अब यहां पे देखिएगा ए बी बराबर कितने बार में जाएगा 7 8 56 एक 8 2 16 72 बार में जाएगा। अब ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणनफल 72 हो जाए, तो कहेंगे सर ऐसी तो बहुत संख्या का जोड़ा मिलेगा, एक मिलेगा 1 72, फिर एक मिलेगा 2 36, एक मिलेगा 3 24, एक मिलेगा 4 18, एक मिलेगा 4 18 5 से नहीं मिलेगा 6 12 76 6 12 हो जाएगा, फिर 7 से नहीं जाएगा 8 से 8 9 मिल जाएगा, फिर 9 9 8 हो जाएगा, यही आपको मिलेगा। और इसमें उसी संख्या का चुनाव करना है जिसका मसा एक हो, इसका मसा एक है, इसका मसा एक नहीं होगा, 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 2 मिला 1 और यहां पे 72, 1 क्या मिला 8 कमा 9। और इसमें भी आपसे बोला है कि 3 अंकों वाली 2 संख्या याद करें। अब बताइए यहां पे जो एचसीएफ है, एचसीएफ में हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या 3 अंकों वाली संख्या मिलेगा 80, 2 अंकों की संख्या तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 3 अंकों की 2 संख्या बतानी है तो हमें यहां से मिल जाएगा, हमें किस से 80 से गुना कर लेना होगा, यहां पर भी 80 और यहां पर भी 80, तो 8 28 64 640 9 8 72 कितना होगा जी 640 कमा 720 होगा। मतलब ऐसी दो संख्या कौन सा होगा 640 और 720 होगा, जिसका आप एचसीएफ निकालिए तो 80 मिलेगा और जिसका आप एलसीएम निकालिए तो 5760 मिलेगा। उम्मीद है कि दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से इसको हटाते हैं, अब यहां से हटाते हैं, देखते रहिए एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम तक भिराकर। अब देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए एकदम आसान कर दीजिए, सरल कीजिए 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस .19/8100। इसको सॉल्व करना है मेरे भाई, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो एक बात बताइए 3/4 के लिए 1 - 1/4 कर सकते हैं क्या, है सर बिल्कुल। 5/36 के लिए 1/4 - 1/9 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। 7/144 के लिए 1/9 - 1/16 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। प्लस डॉट इसके लिए 1/81 - 1/100 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, ए से मर जाएगा, ए से मर जाएगा, ए से मर जाएगा, यहां पे जो आपको मिलेगा इससे इसको मार देगा तो क्या बचेगा 1 - 1/100, तो मेरे भाई कितना होगा 99/100 और यही रहा राइट आंसर। उम्मीद है कि क्लास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम का क्लास हमने खत्म कर दिए। अगर और क्वेश्चन होता टॉप टॉप क्वेश्चन तो और करा देते, लेकिन क्वेश्चन है नहीं तो क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। चलिए।